हमारे साथ इस समय न सिर्फ जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, बल्कि मैं उनको एक प्रख्यात राजनेता भी कहूँगा, जो उनके भीतर आरंभ से सार्वजनिक जीवन की यात्रा को लेकर मौजूद रहा है, और एक ऐसा बेबाक राजनेता जिसने जीवन में कभी दबाव को या प्रेशर को अपने ऊपर आने नहीं दिया, और वो अपनी बेबाकी से अपनी बात हमेशा कहते रहे। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका पंसल न्यूज़ पर, सिन्हा साहब। बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। जी प्रणाम कर रहा हूं सर, और हम श्रद्धांजलि देते हैं बिहार से ही आने वाले सुशांत जी को। और पहली मैं आपसे ज़रूर इस पर, क्योंकि नई पीढ़ी के लोगों के लिए एक मैं आपकी तरफ से एक मैसेज भी चाहूँगा, दबाव और प्रेशर किसके ऊपर नहीं है। जब आप FTI आए थे और लोग आपको खारिज भी कर रहे थे कि किस तरह से आप यहाँ एक्टिंग में आगे बढ़ेंगे, और बड़ी मुश्किलें थीं, बड़ी तकलीफें थीं, सुशांत जी को बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हुए मैं आपकी एक मैसेज आपका चाहूँगा मैं, कि किस तरह से आप कहेंगे जो नए अभिनेता हैं, युवा अभिनेता हैं, अवसाद है, डिप्रेशन है, निराशा है, लेकिन इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है सर। आपकी खनकदार आवाज़ में ये मैसेज लोगों तक पहुँचेगा तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा सर। जी मैं आभारी हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया, मुझे आपने बुलाया और ये मौका दिया, और खासकर हमारे अनुज और हमारे बिहार के ही हैं, जैसा आपने कहा, हमारे पटना का लाडला सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में जो कहने का मौका मिल रहा है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा, यानी यूं कहूँ उसके अंदर सारी सारी संभावनाएं थी कल एक बहुत बड़े स्टार जाने की, और वो भी हमारे उनके बीच में आए रही, जैसे वो भी बिहार, मैं बिहार से, वो भी बिहार से, मैं पटना से, वो भी पटना, और वो भी अपने माँ के सबसे छोटे बेटे, मैं भी अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा, उनकी भी माँ की मृत्यु हुई स्वर्गवासी वो 2002 में, हमारी माँ की भी मृत्यु हुई करीब 2003 में, और ऐसे, और दोनों कला क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि दोनों पति संघर्ष करके, यानी कहा जा सकता है सेल्फ मेड है, यानी अल्लाह ताला का फजल, वाहेगुरु का आशीर्वाद, प्रभु की असीम अनुकंपा तो रही, लेकिन खुद आगे पैर बढ़ाने पड़े, खुद कदम चला आगे बढ़ाने पड़े, संघर्ष करते करते हमने जो मुकाम हासिल किया, जो भी मुकाम हासिल किया, मैं समझता हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने भी बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ एक बढ़िया मुकाम हासिल किया कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, ये जरूर लगता है कि जब आप नामचीन होते हैं या किसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में होते हैं, शो बिजनेस में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होते हैं शरद जी, तो आपको कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं, कुछ खामियाजा, आपके ऊपर स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस का शिकार होंगे आप, स्ट्रेन के शिकार होंगे, टेंशन बहुत होगा, आएगा कभी ईर्ष्या की वजह से, कभी गुस्से की वजह से, कभी उतार चढ़ाव की वजह से, कभी ये इसकी वजह से कि आपको लगता है कि हम बहुत डिजर्व करते हैं और वो नहीं मिल रहा है, या जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, औरों को ज्यादा क्यों मिल रहा है, ऐसे क्या कसूर है हमारा, बहुत सारी बातें होती हैं। बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप, खासकर मैं यंगर जनरेशन को कहना चाहूंगा इस माध्यम से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मुकाम को हासिल नहीं हुआ जो मुकाम, उसकी वजह से आप इस तरह की कोई घटना, इस तरह का काम कर लें, आत्महत्या कर लें, नहीं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, और वो भी भरपूर जवानी में, 34 साल की उम्र में, हमारा परिवार का बच्चा, हमारा इतना अच्छा, इतना बढ़िया कलाकार, ऐसा व्यक्ति, उम्दा इंसान, इतना जबरदस्त व्यक्तित्व जिसके पास था, हासिल हुआ था, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के इस आत्महत्या पे मुझे बहुत एक तरफ सदमा भी हुआ है,
और दूसरी तरफ हमें बहुत दिल में उचाट भी हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो आत्महत्या कर गए, अगर ये खबर सही है कि मजबूरी में आत्महत्या की है तो वो आत्महत्या कर गए, वो तो रेस्ट इन पीस हो गए, लेकिन बाकी परिवार को, सब चाहने वालों को, मानने वालों को, प्यार करने वालों को, सबको तो रेस्ट इन पीसेस यानी पीसेस में छोड़ के चले गए, बांट दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, तोड़ दिया। ऐसा क्यों? योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आज पूरा विश्व जो है योग है, योगा की तरफ आज मुखातिब है। मैं खुद उसका प्रसारक और प्रचारक हूं, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, प्रीच करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, आज भी आपसे बातचीत कर रहा हूं, आज भी तो मैं योग अपना योगाभ्यास करने के बाद ही आया हूं। और दूसरी बात, ये शायद योगाभ्यास का ये कमाल है कि अभी भी जिस तरह से बातचीत कर रहा हूं, अगर मेरा ब्लड प्रेशर लिया तो शायद वही होगा शरद जी जो 12 साल के बच्चे का होता है, 120/80 ऐसा ब्लड प्रेशर। तो इसको कंट्रोल करना है, जूझना है, संघर्ष से आप ऊपर आए, लेकिन जीवन में बाकी संघर्ष हासिल होते हैं, उससे आपको लड़ना है, भिड़ना है, यानी एंगर मैनेजमेंट भी साथ साथ आनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट साथ साथ आनी चाहिए, या नहीं है तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, योगा, मेडिटेशन और भी तरीके हैं, संतों की वाणी, अच्छी बातें इनसे करके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपने बहुत बखूबी शत्रुघ्न जी आपने तमाम बातें वो कह दी। मैं आपके समय के एक छोटा इस पर आपका आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि जब आप FTI आए थे, और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जया जी, अनिल धवन जी और कुछ और साथी प्रॉमिसिंग जो रहे, विजय अरोड़ा शायद आपसे जूनियर रहे होंगे, ये सारे लोग थे उस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल था, आप लोगों का मिलना जुलना, क्योंकि बड़ा प्रॉमिसिंग बैच माना गया था सर आपका, और आप लोग सब के सब वैसे साबित भी हुए, तो वो जो दौर था और ये जो दौर है 2020 का, किस तरह से आप देखते हैं? क्या उस समय जो आप लोगों के रिश्ते होते थे, दोस्ती होती थी, वो कुछ मुख्तलिफ थी आज के दौर से? और जो आपका तो गज़ब का फैमिली सपोर्ट रहा है, बाबूजी से लेकर, नाम ही रामायण के हैं सारे, आपके घर का नाम रामायण है, और आपके जो चारों आप भाई रहे, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, तो ये तमाम परंपरा आपके साथ चलती रही। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री के एटमॉस्फेयर से जरूर एक तुलना चाहूंगा, तब की और अब की। सर देखिए, मैं वैसे बहुत बदलाव तो नहीं है, वैसे समय में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वो आप भी जानते हैं, लेकिन अगर जहां तक एक्टिंग का सवाल है, रिश्तों का सवाल है, रिश्तों में कॉमर्स थोड़ा आ गया है ज्यादा, अभी कमर्शलाइजेशन वो आ गया थोड़ा व्यावसायिकता, लेकिन उस वक्त जो था, चूंकि हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट में थे, चाहे जया बच्चन जो उस वक्त जया भादुड़ी थी, चाहे अनिल धवन जो हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र, हम लोगों के जोश के साथ साथ, हमारे काम करने के स्टाइल के साथ साथ, दोस्ती में बहुत जोर होता था, हम लोग एक दूसरे को बहुत संभालते थे। आज चूंकि लोग अलग अलग जगह से आए हैं, और फिल्मों में जैसा कि अक्सर देखा जाता है, फिल्मों में प्यार मोहब्बत दोस्ती सिर्फ फिल्मों के पर्दे पर और पर्दे तक ही पाई जाती है, यानी ये पर्दे तक और पर्दे पर, रियल लाइफ में दिखती है, रियल लाइफ में प्रभाव कम होता है इसका। और ऐसे भी सही है, बहुत कंपटीशन है, हमारे वक्त में ये सेलफोन नहीं था, ना हमारे वक्त में बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग आ रहे थे वो इतना कॉमर्स नहीं था बढ़ा हुआ, लेकिन जो था खूब ठोक बजा के लिया जाता था, संघर्ष बहुत करना पड़ता था, हमारे पास इतने आयाम भी नहीं थे, टेलीविजन चैनल्स नहीं थे जिसके जरिए हम अपना टैलेंट दिखा सकते, या हमारे जमाने में थिएटर की मंदी आ गई थी, फिर थोड़ा थिएटर ऊपर गया, एक जमाने में थिएटर गजब का हुआ करता था, मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर, लेकिन इसके बाद यहाँ पे सब कुछ उस वक्त थोड़ी मंदी थी, उस वक्त जो कलाकार है संघर्ष करके, चाहे हमसे बहुत सीनियर भी, मैं शम्मी कपूर और शशि कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, राज कपूर साहब जिनका मैं दीवाना था, दीवाना हूँ और दीवाना रहूंगा, इतना उनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं, लेकिन मैं अपने सीनियर्स के बड़े भाई धर्मेंद्र जी की बात करता हूँ,
धर्मेंद्र जैसे आदमी को जिसको एक जमाने में दुनिया के 10 बेहतरीन खूबसूरत लोगों से एक मारा गया, ऐसे धर्मेंद्र को, हमारे बड़े भाई को कितना स्ट्रगल करना पड़ा कि आसानी से आया। राजेश खन्ना, मैं समझता हूँ एशिया के आते इतना बड़ा स्टार तो मैंने नहीं सुना और देखा है जितने बड़े हमारे दोस्त स्वर्गीय लेट एंड ग्रेट राजेश खन्ना रहे। ये इन लोगों ने स्ट्रगल किया है, हालांकि राजेश खन्ना चुनकर आए थे टैलेंट कॉन्टेस्ट से, फिर भी तो इन लोगों का, राजेंद्र कुमार का, सबका हम लोग सुनते थे और हम लोग उसी राह पे चलने की कोशिश करते कि बिहेवियर ठीक होना चाहिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। मेरी भी तो पूंजी वही रही, इवन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को सहने की, बर्दाश्त करने की क्षमता हो। सर, मैं आपको जब भी देखता हूँ और एक दर्शक के नाते मैं देखता हूँ, तो मुझे मेरी जो पसंदीदा फिल्में हैं आपसे जुड़ी हुई, उसमें मेरे अपने, मेरी मेमोरी में कभी कभी भी डिलीट नहीं होगी सर। और आपका जो अंदाज़ था छेनू, और जिस तरह से वो उन दिनों के जो प्रिंटेड कुर्ते होते थे, और वो मुझे लगता है कि शायद वो हमारे भारतीय सिनेमा जगत की, कॉलेज की छात्र राजनीति की पहली प्रखर फिल्म थी वो, जो जिसने हमारे मानस पर गहरा असर डाला। आपका कैरेक्टर और आपका कन्विक्शन, आप जो भी किरदार निभाते थे, मुझे 3-4 और सीनियर एक्टर्स याद आते हैं, और एक आपके कंटेम्प्रेरी बच्चन साहब याद आते हैं, दिलीप साहब, राजकुमार साहब, शत्रुघ्न साहब और अमिताभ बच्चन साहब, जो कन्विक्शन लेकर आते थे सिनेमा के पर्दे पर। मुझे काला पत्थर याद आती है और आपके संवाद, मैं हालांकि उस समय स्कूल में था, लेकिन हम लोग स्कूल में बोलते थे कि आपका अंदाज नकल करते थे कि अरे मेरे बधाइयों के लल्ला, अर्थी के फूल। और कॉलेज के दिनों में भी जब जाते थे तो हम सोचते थे कि ये इतना फौलादी और हिमालयीन आत्मविश्वास कोई व्यक्ति, आप जब बोलते थे ये तो ऐसा लगता था आप चीर देंगे दुनिया को। ये क्या सर, ये परिवार से मिला आपको या आपने संघर्षों से जूझ कर इसको डेवलप किया? कह सकता हूँ कैरेक्टर के लिए वक्त आने पे, मौके पे कई बार इसको डेवलप किया, चाहे इसको हमारा नजरिया उस तरह का हुआ कि इसको कैसे पेश करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में जो आपने देखा है वो तो मेरे शायद थोड़े बहुत सो कॉल्ड क्रिएटिव माइंड का नतीजा असर हो सकता है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही शांत प्रिय हूँ, रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता हूँ। कई लोग तो ये भी कहते हैं मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, जैसे रामायण का जिक्र किया, रामायण में जैसे हम चार भाई, डॉक्टर राम, डॉक्टर लखन, डॉक्टर भरत, और मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं था, इसे डॉक्टर खिताब नहीं पा सका। जी, बहुत आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो सर अद्भुत रहा है, इसमें हम सब जानते हैं। और आपकी जो आत्मकथा है एनीथिंग बट खामोश, ये जो है आपके व्यक्तित्व से जुड़े तमाम पहलुओं को उजागर करती है। मुझे याद आता है कि आपने मैडम को जो प्रपोज किया था सर, उस आत्मकथा में भी जिक्र है कि बड़े क्लासिक तरीके से किया था आपने, और मुझे लगता है कि ये आपकी महिलाओं में फैन फॉलोइंग आज भी शायद इसीलिए बड़ी मजबूत है। और आपने पाकीज़ा के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया था कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा शायद आपने उन्हें लिखकर भी दिया था, और उस समय मैडम शायद पूनम जी काफी डिस्टर्ब थी और किसी कारण से रो रही थी वो काफी। रो रही थी, मैंने कल बताया किसी को, किसी इंटरव्यू में बताया कि हम जब मिले थे तो ट्रेन में मिले थे, मैं एफटीआईआई के लिए आ रहा था, दाखिला हो गया था सिलेक्शन के बाद, और वो पटना किसी शादी में आई हुई थी, और वहां से मैं पहली बार घर छोड़कर पूना जा रहा था। जिंदगी में कभी हॉस्टल का ख्वाब नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कभी हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हॉस्टल क्या होता है, कैसे रहते हैं लोग वहाँ पे, कैसे नाश्ता मिलेगा, कैसे खाना मिलेगा, नहाने कहाँ जाऊँगा, यानी कितना, कितनी घबराहट एक तरह से, एक्सपीरियंस नहीं। और माँ बाप का दुलरुआ बेटा, छुटका बबुआ, मैं छोड़ के जा रहा था तो मैं रो रहा था। मेरी पत्नी वहाँ पे, उनको मेरी लेट एंड ग्रेट मेरी सासू माँ ने किसी बात पे डांटा होगा, उस वक्त तो फियांसी भी नहीं थी, स्कूल में पढ़ती थी, पटनी शादी में सामने वाले बर्थ में, जैसे पर फिल्मों में होता है, इतनी सुंदर लड़की देखी, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया।
लेकिन देखा कि वो रो रही हैं, उनको ये सासू माँ ने डांटा होगा किसी बात पे, वो रो रही थी, इधर मैं रो रहा था। आज शादी के इतने साल हो गए हैं, 3 बच्चे हो गए, लव कुश और सोनाक्षी, लेकिन अभी भी हमारे करेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी वो रो रही है, मैं रो रहा हूँ। शादी के बाद तो ऐसा अक्सर होते ही रहते हैं, गुजर जाती है, बाकी बच्चे तमाशा देखते हैं और हंसते हैं। वो तो मैं इस पे कह रहा था कि आपने एनीथिंग खामोश, जो मेरी बहुत चर्चित आत्मकथा जो है, जो आज दुनिया में कहां कहां के लिट फेस्टिवल में नहीं गया, जयपुर में, अबू धाबी में, नेपाल में, दुबई में, अभी अमेरिका, मन जगह जगह से उसके बुलावा, मुंबई में, दिल्ली में, टाइम्स ऑफ इंडिया लिट फेस्ट में, उसमें कुछ बातों का जिक्र है। बड़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग किताब मानते हैं लोग, क्योंकि एक किताब है जिससे आपके दर्शकों को भी अगर मौका मिले तो पढ़ें, तो उसमें ये लगता है कि जो आदमी अपने पटना से बाहर आकर बिहार का लकाब मुंबई या जय महाराष्ट्र में आकर जिस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ा और सिनेमा में जो भी खिताब है, जो भी मुकाम हासिल किया, उसमें सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया फिल्मों में नहीं, कोई जूनियर आर्टिस्ट, और मैं उसमें जो भी मुकाम हासिल कर सका, ये प्रभु की असीम अनुकंपा, जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला का फजल, वाहेगुरु का आशीर्वाद, और उसके बाद अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में गया तो वहां भी एक रिकॉर्ड हासिल हुआ, एक कायम हुआ रिकॉर्ड, कि पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर बनकर उभरा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, जहां भी अच्छी खासी लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रशंसा हुई, कि जिस तरह फिल्मों में दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं, उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी पूरे खानदान में या खानदान के किसी आदमी का कोई साया भी नहीं, और अचानक उस मुकाम पे, यानी सेल्फ में, ये इंस्पायर करता है यंगर जनरेशन को, खासकर लोगों को, कि आप कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कन्विक्शन है, वो पैशन है, पैशन बहुत जरूरी है। आपके भीतर पैशन और दीवानगी और जुनून तो हमने बराबर देखा, लेकिन एक एग्रेशन भी देखा और बड़ा 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 विनम्र आक्रामकता देखी हमने आपके भीतर। आपने कभी बिल्कुल ठीक कहा, आपकी भाषा बड़ी समृद्ध है। आपके मुंह से जब हमने हिंदी सुनी तो ऐसा लगा हिंदी ऐसी ही होनी चाहिए, अंग्रेज़ी सुनी तो अंग्रेज़ी ऐसी ही होनी चाहिए, भोजपुरी तो आप धारा प्रवाह बोलते ही हैं। एग्रेशन पर मैं ज़रूर कंक्लूड करते हुए इस इंटरव्यू को आना चाहूँगा, क्योंकि आपने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। जो वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और टकराए आप अपने समय के नामचीन एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन साहब से भी, और आपने कभी नहीं छिपाया इसको, और टकराए आप उस बीजेपी से भी जहां आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इन दोनों पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों व्यूवर्स ऐसे हैं जो जानना चाहेंगे इस मसले पर, बच्चन साहब के साथ आपके रिश्ते और बीजेपी से आपके रिश्ते। जी देखिए, ये वो तो ठीक कहा आपने कि उसूलों पे आ चाहे अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब वो तो ठीक कहा आपने, स्वाभिमान तो रहा है, क्योंकि अगर देखिए, जो भी आदमी सेल्फ मेड होता है वो विनम्र जरूर होगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा रहती है, वो विनम्र जरूर होगा, लेकिन स्वाभिमान भी होगा, स्वाभिमान बहुत जरूरी है। मैंने उसके साथ समझौता नहीं किया, कोशिश हमेशा यही की। जहां तक हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन का सवाल है, चूंकि हम लोग इतने सालों से करीब करीब संघर्ष के जमाने के साथी हैं, वो हमें हमारी बहुत कदर करते हैं, और मैं भी उनको बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं, और दोनों में भी एक खास सिमिलरिटी है, हाइट तो है ही, दोनों की लंबाई तो है ही, और दोनों की लंबी अवधि भी है, लेकिन साथ साथ बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि अमिताभ बच्चन की भी सेंस ऑफ ह्यूमर गजब की, जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर, और मेरे अंदर तो सेंस ऑफ ह्यूमर, लोग कहते हैं कि, तो हम दोनों जब मिलते थे तो समझिए हंसी का अखाड़ा या लाफ्टर का पटाखा होता था वहां पे। हम लोग फिल्मों में और खासकर, लेकिन जब इतनी लंबी अवधि होती है, चाहे पति पत्नी का हो चाहे दोस्तों का भी हो, तो आप देखते हैं
उतार चढ़ाव आते हैं, कभी मीठापन के साथ साथ कभी कभी तीखापन या शरारत भी या मस्ती भी आ जाती है। मैं कहूंगा ये जो हुआ वो नादानी, बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ भी हो जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि सब नादानी या शरारत या जवानी का जोश कह लीजिए उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन अब हमारे दिल में कोई गिला नहीं, बल्कि उनके सिर्फ प्यार ही प्यार है, उनके लिए सद्भावना है। बड़ी खुशी होती है जब उनकी कोई अच्छी फिल्म आती है, अच्छा काम, अच्छी फिल्म आती है ना भी कम अगर अच्छी फिल्म नहीं भी आती हो तो उनका काम तो बहुत ही अच्छा होता है उसमें, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और उन्होंने बहुत दुख भी झेला है, बहुत संघर्ष भी झेला है। रही बात आपने भारतीय जनता पार्टी की, शरद जी देखिए वैसे तो मेरी पहली फैमिली है, इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है कि अगर आज मैं कुछ कारणों से जिन कारणों से अब उनसे अगर थोड़ा दूर हूँ या कुछ दूर हूँ या काफी दूर चला आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहर उगलने लगूं, क्योंकि मेरा लालन पालन तो उसी पार्टी में हुआ। मेरा मैं तो एहसानमंद हूँ, बहुत ही एहसानमंद हूँ। मेरे को तो लेकर गए थे, मुझको लेकर गए थे भारत रत्न, एकदम बहुत बड़े देश के मार्गदर्शक नानाजी देशमुख, इनके साथ इन्होंने हमें बहुत समारा सजाया, बनाने की कोशिश की, पार्टी में लेकर गए, इन्होंने हवाले किया मुझे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के को हवाले किया, यानी फ्रेंड फिलोसफर गाइड भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के फ्रेंड फिलोसफर गाइड गुरु और अल्टीमेट लीडर, घने काले बादलों में चमकती हुई सुनहरी किरण का नाम श्री लाल कृष्ण अडवाणी, उनकी ट्रेनिंग में डाला। इन लोगों ने हमें बाद में मदन लाल खुराना जी या स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी बिहार में थे, इनकी ट्रेनिंग में डाला। इस बीच में पब्लिक लाइफ में मुझे लेकर गए, इसी बीच में जब मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया था तो बहुत ही बढ़िया कांग्रेस के नेता हैं सुबोध कांत सहाय जो मंत्री भी थे, पब्लिक लाइफ में मुझे उतारा, आने रियल लाइफ से रियल लाइफ में उतारा और ट्रेनिंग दी वो सुबोध कांत सहाय ने, जब बड़ी बड़ी रैली और बड़े बड़े लोगों भीड़ में जा उतरना शुरू किया, खासकर बिहार में और बिहार बचाओ आंदोलन के जरिए, अभियान के जरिए। तो इन लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। तो ये भी जो मेरी ट्रेनिंग, मेरा जो ट्रेनिंग के अलावा लालन पालन भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने किया, तो ये तो मेरे परिवार की तरह है। ठीक है, सिद्धांतों पे उसूलों पे आ चाहे अगर तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और मैंने इन्हीं पंक्तियों के तहत इनके सहारे मैंने जो भी निर्णय लिया। लेकिन एक बात गौर करने की है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने साल रहा मैं, आपने देखा हुआ चाहे जो भी कुछ बातें मुझे लगा कि मैंने जनहित में की और जनहित में मैंने की, जैसे नोटबंदी के खिलाफ हमने बात की, किसानों के लिए मैंने बहुत कुछ कहा, इन लोगों ने जो भी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी मुझे लगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आज भी लोग मान रहे हैं, इस तरह का क्या कर दिया गया, जिसमें संशोधन 300 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं अब तक। अब मुझे लगा ये जनहित में नहीं है, मुझे लगा राष्ट्रहित में नहीं है, और हमें इन्हीं लोग बड़े लोगों ने सिखाया था, नानाजी देशमुख ने और अटल जी ने अडवाणी जी ने, कि सबसे बड़ा व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। तो मैंने देश हित में किया। इतना तो मैं फिर भी कहूंगा कि ना उन्होंने हमें निकाला और ना हमने उन्हें छोड़ा। मैं नियति के नियत पे, वक्त के धार पे बहता हुआ वहां से वहां होकर पहली बार और शायद आखिरी बार एक सही दिशा में आया, उन लोगों के बीच में आया जिनका मार्गदर्शन किया महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, कि इतने मौलाना आजाद हो, इतने बड़े बड़े लोगों ने गाइडेंस दी हो, उस जगह आया सही दिशा में, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी रहूंगा,
जनता के बीच में रहूंगा, निस्वार्थ भाव से जनता के लिए करूंगा और वही करने की कोशिश करूंगा। जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों दर्शक, मैं उनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि दुनिया की कुछ ईमानदार आत्मकथाएं बहुत लोकप्रिय हैं, जिसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आत्मकथा पढ़ेंगे तो आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि ये अभिनेता कथनी और करनी के अंतर को बिल्कुल भी अपनी आत्मकथा में आप कहीं झलक नहीं पाएंगे। और बहुत ईमानदारी से उन्होंने कई ऐसे अनछुए पहलू अपने व्यक्तित्व के, अपने संघर्ष के, अपने फिल्मी जीवन के और अपने निजी जीवन के उजागर किए हैं, जो किसी भी आत्मकथा को परिपूर्ण बनाते हैं। और आपने अपने राजनीतिक और फिल्म जगत से अमिताभ बच्चन जैसे अभिन्न मित्र से जुड़े भी जो अनुभव शेयर किए, सर हमें बहुत अच्छा लगा। आपके भावी पॉलिटिकल लाइफ के लिए, एक अभिनेता के तौर पर अभी भी आप बहुत समृद्ध हैं और अभी पता नहीं आगे और क्या खजाना आपसे हमें मिलेगा, ये बातचीत करके शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत अच्छा लगा और आपकी विनम्रता के हम कायल पहले भी थे, अब और मुतासर हैं उसके। बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं कि चंद प्रदेश जो मुझे सबसे ज्यादा दिल के करीब हैं, उनमें से मैं मध्य प्रदेश कहूंगा और अब तो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की इतनी तारीफ होती है सुनता हूं, और मैं इतना बदलाव देख चुका हूं छत्तीसगढ़ में और खासकर नए नेतृत्व में, तो गजब का देख रहा हूं मैं। मैं आप तमाम लोगों को, खासकर तमाम छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के दर्शकों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, समर्थकों और प्रशंसकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अपनी शुभकामना और शुभ आशीष देता हूँ। लॉन्ग लाइफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जय हिंद। जय हिंद, बिल्कुल सर, जय हिंद। और आपका ये शुभकामनाओं का जो सिलसिला है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों को बहुत फलीभूत होगा, हम ऐसा भी मानते हैं। और बहुत धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रेमपूर्ण वचनों के लिए भी, बहुत शुक्रिया।